आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के छोटे भाई वसीम बनर्जी जी का कोरोना के कारण आज कलकत्ता के अस्पताल में उनका निधन हो गया। ये खबर जैसे ही पहुंचा, एक दुखों का पहाड़ जैसे हमारे ऊपर गिर गया कि आज हमारे प्रिय भाई वसीम बनर्जी जी हमारे बीच नहीं है। मैं क्या बोलूं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये कोरोना ने किसको किसको बर्बाद कर देगा, ये समझ से बाहर है। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने आप को सतर्क रहें, दूरी मेंटेन करें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का व्यवहार करें, हैंड वॉश का व्यवहार करें, और घर से अगर काम नहीं हो तो कम ही निकलें। कोई इमरजेंसी काम हो तो जाए और समय से चले आए घर वापस। ये जिंदगी बहुत अमूल्य है। ये कितने माँ का कोख, कितने हमारे बहने का सिंदूर ये कोरोना ने धो दिया, और कितने हमारे बहने हमें छोड़ के चली गई। आज मैं शोकाकुल हूँ। भाई वसीम बनर्जी जी का निधन का खबर सुनते ही हम, हमारे परिवार, हमारे लोगों में ये दुखों का पहाड़ टूट गया। मुझे कुछ बोलने का और शब्द हमारे पास नहीं है। मैं क्या बोलूं, मैं ईश्वर से कामना करूंगा हमारे भाई वसीम बनर्जी जी को उनको आत्मा की शांति मिले। और मैं एक टीएमसी का एक सिपाही के तौर पर मैं आज आग्रह करूंगा कि आज हमारे जितने भी देशवासी, जितने भी बंगालवासी, हमारे जितने भी लोग हैं, सतर्क रहें, फिर ये समान जिंदगी हो जाएगी। ये महामारी को हम चलिए मिलकर अभियान चलाएं और लड़ें और सरकार के साथ दें।